झारखंड आंदोलन के जनक पढ़ो और आगे बढ़ो के नारा देने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 27वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इंटक नेता पंकज मिश्रा ने सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इससे पूर्व उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाला और बलियापुर स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा के समक्ष माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। मीडिया से बात करते हुए पंकज मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से नेहरू जी ने सिंदरी को सुंदर बनाने का कार्य किया था, उसी तरह सिंदरी की जनता की सेवा करेंगे। बस आवश्यकता है कि पार्टी उन पर विश्वास करे और उन्हें टिकट दे। झारखंड के लिए लड़के इस झारखंड के वासी और सिंदरी को, सिंदरी की जनता को स्वतंत्रता दिलाई और विकास की राह पर जिस तरह विनोद बाबू ले जा रहे थे, मैं आज उनके चरण का कसम खाकर ये शपथ लिया हूँ कि आने वाले समय में आज इस मेला से जाने के बाद सिंदरी की जनता का हम विनोद बाबू के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर यहाँ की जनता का सेवा करेंगे। क्या 2019 की तैयारी चल रही है कुछ? निश्चित रूप से 2019 की तैयारी मेरी चल रही है, कांग्रेस पार्टी की चल रही है। कांग्रेस घर घर जाएंगे, कांग्रेस हर जनता के बीच जाएगी और जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सिंदरी को सुंदरी बनाए थे, उसी तरह हम उनके बताए हुए रास्ते पर और विनोद बाबू के बताए हुए रास्ते पर चलकर सिंदरी को फिर से सुंदरी बनाने का काम करेंगे। क्या चुनाव लड़ने के मूड में हैं इस 2019 में? देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर हमें चुनाव मैदान में उतारेगी तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं। यह निर्णय हमारे उच्च पदाधिकारी के द्वारा होगा, लेकिन हम जनता की सेवा में लगातार बने रहेंगे। पंकज मिश्रा झारखंड प्रदेश कांग्रेस सदस्य और कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, युवा इंटक के।